उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का नाथ पंथ के विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ से गहरा और आत्मिक नाता था। स्वर्गीय कल्याण सिंह श्री राम मंदिर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के कृपा पात्र थे। बड़े महाराज जी का उनसे विशेष स्नेह जग जाहिर था। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के ही भांति श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को अपने जीवन का ध्येय बनाए हुए थे। फिलहाल यह मिशन गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में पूर्णता की ओर बढ़ चला है। मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी कहते हैं कि गोरक्षपीठ के बुलावे पर कल्याण सिंह पीठ के अधीन संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। 10 दिसंबर 2013 को एमपी इंटर कॉलेज के मैदान पर स्वर्गीय कल्याण सिंह ने परिषद की तरफ से दी जा रही राष्ट्रवादी विचारधारा की शिक्षा की मुक्त कंठ से सराहना की थी। उनका मानना था कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का पुनीत कार्य देश के भविष्य को लेकर एक नई आशा का संचार कर रहा है, दूसरों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका अंतिम आगमन गोरखनाथ मंदिर में विजय शंखनाथ रैली के मद्देनजर 22 जनवरी 2014 में हुआ था। उन्हें पता चला कि बड़े महाराज ब्रह्मलीन अवैधनाथ की तबीयत खराब है, तत्काल गोरखनाथ मंदिर उन्हें देखने के लिए चले आए। तबीयत खराब होने के बाद भी बड़े महाराज ने उनका स्वागत किया। फिलहाल अब पूर्व मुख्यमंत्री और राम जन्मभूमि के महानायक कल्याण सिंह की स्मृति ही शेष रह गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, राम का मंदिर स्थापित हो गया, लेकिन अभी कागज पकड़े गए राम हमारे आराध्य देव, एक जय हमारी तीर्थ से लिए है। राम मंदिर का निर्माण संकल्प और क्यों उसके साथ में स्वयं अपने को एक कर मानता हूं। लाखों राम भक्तों के साथ साथ पर मैं से एक मैं भी इस नाते से मेरा मन और मेरे मन का क्षेत्र अयोध्या और राम का मंदिर भी है। मित्रों, दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। ये बच्चे बैठे हैं, पता नहीं इनमें से कौन महात्मा बनेगा, कौन ऋषि बनेगा, कौन जनरल बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन कलाकार बनेगा, कौन अध्यापक बनेगा। इनको बड़ी प्रतिभा है और मुझे विश्वास है कि संस्थान में इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा होगा। यहाँ के वायुमंडल को देखकर मैं कह सकता हूँ इस समय एक बात जो ध्यान और आपको देना चाहता हूँ, फिर बड़े सुंदर के श्रोताओं के लिए मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देश गंदी राजनीति से के तौर पर गुजर रहा है और जब राजनीति गंदी हो जाती है तो उसमें उसका दुष्प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। चोरी छिपानी हो, बदमाशी छिपानी हो, भ्रष्टाचार छिपाना हो, ठगी छिपानी हो, तो आपके राजनीतिक नेता ने एक शब्द खोज लिया है जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। बस हम सेक्युलर हैं, कितने चोरी करो इस शब्द के पीछे, हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर अर्थ क्या है इसका? आज की राजनीति में इस शब्द का बड़ा प्रचलन हो गया है। जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसको सेकुलर, उसको कम्युनल कह रहे हैं, सांप्रदायिक।
बैठे हैं, और जो सांप्रदायिक पार्टी है वे अपने को सेकुलर कह रही है, और आज सेकुलर जो कहती रह गया कि मुसलमानों के जितनी चाहे उतनी तारीफ करो और कि खुशी करी नीति बनाओ, और हिंदुओं को जितनी गाली दे सको, हिंदुओं को जितनी ज्यादा गाली दे लो मुसलमानों को खुशी करते ना ज्यादा कर दो, वही सबसे बड़ा सेकुलर हो जाता है। माननीय कल्याण सिंह जी के निधन पर हम सभी लोग दुखी हैं, प्रदेश दुखी है, जनपद दुखी है, हर लोग दुखी हैं। उनका ऐसा कार्य रहा है, वो सदैव स्मरण करने योग्य रहेगा। यहाँ कई बार आए, अगल बगल में कई बार आए, बड़े महाराज जी से इनका बड़ा ही निकट का संबंध रहा, वो भी आते रहे। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से वो कितना उनका लगाव था, अति लगाव था, हम सभी लोगों से लगाव था। जब भी महाराज से आते थे मिलने तो हमसे भी भेंट होती थी, बातचीत होती रही। तो ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, ऐसा शासन प्रशासन करने वाला मुश्किल है। राम जन्मभूमि के लिए जो उन्होंने किया सबको मालूम है, प्रदेश देश के लिए जो उन्होंने किया सबको मालूम है, उनका शासन प्रशासन कैसा रहा सबको मालूम है, उसे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके निधन से हम सभी लोग नाराहत हैं, आहत हैं, दुखी हैं। उनके कार्यों को कभी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। अक्सर यहाँ पे आते थे और राम जन्मभूमि का मामला भी चलता था, बड़े महाराज जी राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष भी थे, उसको लेकर तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। अब देखिए बड़े महाराज जी की तो शुरू से ही, ये दिव्यानाथ जी के महाराज के समय में, महाराज के समय में उनकी तो संकल्प था कि हम राम मंदिर बना के रहेंगे, और बनाने के लिए उन्होंने बीमार होते हुए भी राम जन्मभूमि का नाम जब सुन लेते थे कि वहाँ जाना है, अयोध्या जाना है, प्रयागराज जाना है, बनारस जाना है, कहीं जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, वो अस्वस्थ होते हुए तैयार हो जाते थे और चल देते थे। इतनी उनकी ललक थी, इनका निष्ठा इतनी हो, गहरी निष्ठा थी जो। हाँ ये ज़रूर दुख हुआ कि आज मंदिर बन रहा है वो आँख से नहीं देख पाए, लेकिन जहाँ उनकी आत्मा है वो संतुष्ट होगी।